नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला के साथ गैंग रेप के मामले में रेलवे के 4 कर्मचारियों को अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि 4 आरोपी रेलवे के इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के हैं। उनमें से 2 ने गुरुवार रात प्लेटफॉर्म पर बने ट्रेन लाइटिंग रूम में रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान 2 आरोपी कमरे के बाहर गार्ड के तौर पर खड़े रहे। आरोपियों की पहचान सतीश कुमार, विनोद कुमार, मंगल चंद और जगदीश चंद के तौर पर हुई है। रेलवे के DCP हरेंद्र सिंह ने बताया कि महिला ने सुबह 3:27 उन्हें कॉल करके यह जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसका रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि महिला ने पुलिस को बताया कि वह हरियाणा की फरीदाबाद की रहने वाली है। वह 2 साल पहले अपने पति से अलग हुई थी और नौकरी की तलाश में थी। वह अपने एक दोस्त के जरिए सतीश से मिली थी, जिसने उसे रेलवे में नौकरी दिलवाने का वादा किया था। वहीं सतीश ने उसे अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी को बुलाया था। शाम 10:30 कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन पर महिला सतीश से मिली, जिसके बाद वह उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले गया, जहां बाकी 3 आरोपी भी आ गए। इसके बाद ट्रेन लाइटिंग हट में 2 आरोपियों ने महिला के साथ रेप किया। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।